अब की बार मैं दादा के संगीत में जीवन के बारे में छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। 7 साल की उम्र से ही दादा ने संगीत की आराधना शुरू की। ये शिक्षा यकीनन आपको मिली अपने पिताश्री श्री भीमजी बहादुर सिंह साहब से, जो कि एक मशहूर आम पुलिस बैंड के अच्छे क्लैरोनेट प्लेयर थे। 12 साल की उम्र में चाचा गोपाल जी ने दादा को सुना और इतने प्रभावित हुए कि कहने लगे कि मैं इसी वक्त इसे अपने साथ बाटानगर ब्रास बैंड में ले जा रहा हूं, जहां मिस्टर न्यूमैन और गोपाल जी ने दादा को बहुत कुछ सिखाया और 2-3 साल तक वहां पर दादा ने काफ़ी मेहनत की। 5 मार्च 1945 को, यानी कि आज से करीबन 63 वर्ष पहले, दादा का पहला पब्लिक सोलो परफॉर्मेंस हुआ, जो कि मिस्टर न्यूमैन के पिताजी के साथ था। और उसी दौर में दादा कलकत्ता सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए बजाया करते थे, जिसे सुनकर HMV वालों ने उन्हें परमानेंट म्यूजिशियन बना लिया। उसी समय कलकत्ता सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करने वाले दुनिया के 3 नंबर के बांसुरी वादक फ्रांसिस्को कासानोवा ने दादा को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। वर्ष 1958 में सलील चौधरी दादा को मुंबई लेकर आए, और न केवल लेकर आए बल्कि उस वक्त के सभी बेहतरीन संगीतकारों को बखूबी दादा को मिलाया और उनकी पहचान कराई। और फिर ये सच्चाई एक अच्छाई की तरह ज़माने के सामने आ ही गई और हर एक को इस प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में पता चला कि मुंबई की संगीतमय दौर में, फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन सैक्सफोन प्लेयर आया है, और वो है मनहरी सिंह। सो दोस्तों, अब की बार मौका है आपके जीवन में उस लम्हे का, उस पल का, उस गीत का, जहां पर दादा एक इंस्ट्रूमेंटल सोलो बजाएंगे आपके लिए।